नमस्कार, मैं हूं ज्योत्साचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं भाग्य गुरु कार्यक्रम। भाग्य गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे कि आज का महामंत्र क्या है, इस महामंत्र का जप कैसे करेंगे, आज का पंचांग क्या कहता है, शुभ मुहूर्त कब है, शुभ तिथि कब है, और कौन सा योग है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सी तिथि है, राहु काल कब है, दिशाशून कब है, सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त कब होगा, चंद्रमा किस राशि पर है, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। इसके बाद बात करेंगे 12 राशियों के बारे में कि आज की 12 राशियां क्या कहते हैं, किसका भाग्योदय होगा, कौन विदेश जाने वाला है, किस अंक के प्रयोग करने से आपको अपार सफलता मिलेगी, किस रंग का प्रयोग करने से आपका भाग्योदय होगा, सावधानियां क्या बरतेंगे, उपाय क्या करेंगे, सारी बातें हम आपको बताएंगे। गुरु के नुस्खे भी बताऊंगा, प्रश्नों का उत्तर भी दूंगा, और आज जिनका जन्मदिन उनके बारे में भी बताऊंगा। आप देखते रहिए भाग्य गुरु कार्यक्रम। आइए बात करते हैं आज के महामंत्र की, कि आज का महामंत्र क्या है। आज का महामंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। ये जो महामंत्र है देव गुरु बृहस्पति का मंत्र है। यदि आपको लगता है कि आपकी विद्या अध्ययन में दिक्कत हो रही है, अभी परीक्षा का समय चल रहा है विद्यार्थियों के लिए, कुछ ऐसे लोग हैं जो एकेडमिक करियर में लगे हुए हैं, जो रिसर्च करना चाहते हैं, कुछ नौकरी की तलाश में हैं, कोई विवाह योग्य उसका विवाह नहीं हो रहा है, ये सबके दाता कारक देव गुरु बृहस्पति हैं। यदि कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी हो तो व्यक्ति को चतुर्दिक सफलता मिलती है, मान सम्मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलता है, और व्यक्ति अपनी बौद्धिक क्षमता के बल पर काफी आगे बढ़ता है। ऐसे परिस्थिति में आप हल्दी की माला से इस मंत्र का जप करें, कम से कम एक माला, तीन माला, और इस मंत्र का जप करने से आपको सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान होगा। जब आप मंत्र का जप करें तो पीले रंग का वस्त्र जरूर धारण करें। बात करते हैं आज के पंचांग की। आज है 9 मार्च 2023, दिन है गुरुवार, और तिथि है द्वितीया, जो रात्रि 8:57 तक रहेगा। हस्त नक्षत्र है कृष्ण पक्ष है, गंड योग है। सूर्योदय होगा 6:38 पर, और सूर्यास्त होगा 6:25 पर। चंद्रमा रहेगा कन्या राशि में। शुभ समय है 12:08 से लेकर के 12:56 तक रहेगा। राहु काल है 2 से लेकर के सायंकाल 3:28 तक रहेगा। दक्षिण दिशा का दिशाशूल है। आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि आज चंद्रमा है कन्या राशि में। कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। बुध के नाते व्यक्ति बहुत मौलिकवान होता है, इंटेलिजेंट होता है, इंटेलेक्चुअलिटी उसके अंदर होती है, और वह माइक्रो लेवल पर सोचता है। तो आज आपको चंद्रमा जो बुध की राशि पर होने के नाते आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव थॉट में नहीं जाना, पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव करना है, अपने को चैनलाइज करना, इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि राहु काल में कोई कार्य नहीं करना है। शुभ मुहूर्त में आप कार्य करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, और दिशाशूल में यात्रा न करें। अगर यात्रा छोटी दूरी की है तब दही गुड़ खा के यात्रा कर ले, आपके लिए ठीक रहेगा। अब हम बात करेंगे 12 राशियों के बारे में कि आज की 12 राशियां क्या कहती हैं, किसको सरकारी नौकरी मिलेगी, कौन राजनीति के क्षेत्र में जाएगा, कौन ब्यूरोक्रेसी में जाएगा, कौन डेमोक्रेसी में जाएगा, कौन डिप्लोमेसी में जाएगा, किसको विदेश जाना है, कौन कहानी लिखेगा, कौन किताब लिखेगा, किसकी फिल्में हिट होगी, कौन खिलाड़ी बनेगा, कौन साहित्यकार बनेगा, कौन संगीतकार बनेगा, सारी बातें हम आपको बताएंगे। आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। जो मेष राशि के जातक है, आज का दिन आपका ठीक ठाक रहेगा। व्यापारिक स्थिति में सुधार होगा, लोगों में आपके प्रति रुझान बढ़ेगा, लोग आपका सम्मान करेंगे, भाइयों से लाभ मिलेगा, पुराने विवाद आपके पक्ष में होगा और पुराना विवाद समाप्त होगा। भाग्य अनुकूल है तो भाग्य से सारे कार्य आपके पक्ष में होंगे और सारे कार्य संपन्न होंगे। शुभ कार्यों के करने का प्रबल योग बन रहा है। आपको चतुर्दिक लाभ होगा, चतुर्दिक लाभ से मन प्रफुल्लित रहेगा, संततियों की प्रगति होगी, उनकी पढ़ाई लिखाई करियर को लेकर के आपकी निश्चिंतता बढ़ेगी, उन पर कंसर्न रखने की जरूरत है, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। सावधानी क्या बरतनी है, अपने खान पान पर नियंत्रण रखें। उपाय क्या करना है, सूर्यदेव को जलाभिषेक करें। कैसे करेंगे जलाभिषेक, आप क्या करें कि तांबे का एक पात्र ले लीजिए, उसमें जल डाल लीजिए, चावल को लाल रंग में रंग लीजिए, पुष्प ले लीजिए और केसर डाल करके ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र से जलाभिषेक करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है लाल, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं वृष राशि की।
जो वृष राशि के जातक हैं, आज आपको दूसरों पर विश्वास न करें तो बेहतर होगा, क्योंकि लोग आपको धोखा दे सकते हैं, चीट कर सकते हैं। सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, धन धान के क्षेत्र में वृद्धि होगा, पिता से वाद विवाद हो सकता है, मन को शांत रखें, शांति में समय व्यतीत करें और भाग्य आपके अनुकूल है, भाग्य से सारा कार्य आपके पक्ष में होते हुए दिख रहा है। चतुर्दिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी, कोई भी कार्य करते हैं तो सोच समझ करके अपने प्लान को करें और आपकी जो योजनाएं हैं उसको गुप्त रखें। और जितना बड़ा प्लान करेंगे, जितनी बड़ी सोच लेंगे, जितना बड़ा रिस्क लेंगे, उतनी बड़ी सफलता मिलेगी। तो आज आपके लिए सफलता का दिन है, सावधानी क्या बरतनी है, बड़ों की सलाह से ही किसी कार्य की शुरुआत करें। उपाय क्या करना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, गाय को रोटी गुड़ खिलावे, शुभ अंक है 7, शुभ रंग है सफेद, लक मीटर है 7, हरे कृष्ण। बात करते हैं मिथुन राशि की। जो मिथुन राशि के जातक हैं, आज आपके नए रास्ते खुलेंगे प्रगति के। संतान के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी चिंता हो सकती है, वाहन का प्रयोग सतर्कता से करें, दुर्घटना इत्यादि हो सकती है। समय बहुत महत्वपूर्ण है, आज आपको धन लाभ होते हुए दिख रहा, आर्थिक स्थिति सशक्त होगी, आर्थिक क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा, परिवार में शुभ कार्य होगा, लेखन कार्य से धन मिलेगा, आपकी लेखनी क्षमता बहुत मजबूत होगी और किताबें लिख सकते हैं, पुस्तक लिख सकते हैं, साहित्य के क्षेत्र से बड़ा लाभ होगा और आज आपको कोई नए सलाह से धन अर्जित होने की संभावना बन रही है। माली हालत अच्छी होगी, पिता पुत्र में थोड़ा वैचारिक मतभेद हो सकता है। सावधानी क्या बरतनी है, शेयर में पूंजी न लगावें। उपाय क्या करना है, गणेश जी की आराधना करना आपके लिए अच्छा रहेगा, शुभ अंक 3, शुभ रंग हरा, लक मीटर है 9, हरे कृष्ण। बात करते हैं कर्क राशि की। तो जो कर्क राशि के जातक हैं, आज आपको अपने भावनाओं को नियंत्रण में रखने की जरूरत है। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। लाभ होने का समय आ गया है, सारी परेशानियां दूर होंगी, संकटों का समाधान होगा, महत्वपूर्ण कार्य होंगे, परिवार में शुभ कार्य होगा, भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा, उनका सुख मिलेगा, रोग और शत्रु परास्त होंगे, हेड एंड शत्रु की संख्या में वृद्धि होगी, माली हालत में सुधार होगा। विदेश यात्रा का योग बन रहा है और कुछ नए तरह के परिवर्तन होने से मन प्रसन्न रहेगा, स्थितियां आपके अनुकूल है। सावधानी क्या बरतनी है, खर्च पर नियंत्रण करें। उपाय क्या करना है, सफेद वस्त्र का दान करें, शुभ अंक 4, शुभ रंग आसमानी, लक मीटर 7, हरे कृष्ण। बात करते हैं सिंह राशि की। तो जो सिंह राशि के जातक हैं, आज का समय आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, समय का सदुपयोग करें, आलस्य का परित्याग करें, स्वास्थ्य पर ध्यान दें, आत्मबल वृद्धि होगी, आय के स्रोत में वृद्धि होगी, आपका मनोबल काफी ऊंचा रहेगा, जो प्लान करेंगे उसे सफलता मिलेगी, सभी योजनाएं क्रियान्वित होते हुए दिख रही है। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी माइंस में अगर पूंजी लगाते हैं तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, विवादित चीजों से बचें, कंट्रोवर्सी में ना पड़ें, आलस्य का परित्याग करें, पिता की सलाह से अगर कार्य करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सावधानी क्या बरतनी है, मध्यम मार्ग अपनाना आपके लिए श्रेष्ठकर रहेगा। उपाय क्या करना, दाल भरी पूड़ी गौशाला में दान करें, शुभ अंक 5, शुभ रंग है लाल, लक मीटर 6, हरे कृष्ण। बात करते हैं कन्या राशि की। तो जो कन्या राशि के जातक हैं, आज आपके लेखन कार्य से धन लाभ मिलेगा, भूमि भवन खरीदने का योग बन रहा है, समय अनुकूल है, संतान सुख मिलेगा, विद्यार्थियों के लिए समय उत्तम चल रहा है, व्यापारिक प्रगति होगी, शेयर से लाभ मिलेगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, दूर देश की यात्रा हो सकती है, गुरुजनों के सहयोग से कुछ बड़ा कार्य कर सकते हैं और गुरु के नेतृत्व में कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी जिससे आगे बढ़ेंगे, कोई महिला मित्र मिल सकती है जिसके सहयोग से आज आपका सारा कार्य संपन्न होगा, परेशानियां दूर होंगी, बच्चों का सुख मिलेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, पत्नी को सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बन रही है, हेल्थ और वेल्थ को लेकर के सचेत रहें। आपको सावधानी क्या बरतनी, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगावें। उपाय क्या करना है, भगवान श्री गणेश की आराधना करें, उनको पंचमेवा का खीर अर्पित करें, शुभ अंक 6, शुभ रंग हरा, लक मीटर है 8, हरे कृष्ण। बात करते हैं तुला राशि की। जो तुला राशि के जातक हैं, आज आपकी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा, रोजगार परक शिक्षा से लाभ मिलेगा, परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य हो सकता है, आय के संसाधन बढ़ेंगे, अचानक धन लाभ होते हुए दिख रहा है, माली हालत सुदृढ़ होगी, आज आपका मनोबल काफी ऊंचा रहेगा, परिस्थिति अनुकूल है, दूर देश की यात्रा हो सकती है, विदेश से धन लाभ मिलेगा, यदि आप कोई फिल्म बना रहे थे फिल्म में आपकी हिट होगी, संगीत साहित्य कला के क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा, ललित कला में आपका करियर बन सकता है। सावधानी क्या बरतनी है, ध्यान से रखकर कोई कार्य करें, जैसे बीच में कोई कार्य छोड़ देते तो ऐसा न करें। उपाय क्या करना है, गाय को रोटी गुड़ खिलाना आपके लिए अच्छा रहेगा, शुभ अंक 7, शुभ रंग है नीला, लक मीटर है 8, हरे कृष्ण। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, आज आपका मान सम्मान मिलेगा, समय उत्तम चल रहा है, नए व्यापार करने के अवसर मिलेंगे, प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा, महंस इत्यादि के क्षेत्र में पूंजी निवेश करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, लेखन कार्य से धन मिलेगा,
आपकी सभी योजनाएं सफल होती हुई दिख रही है। पिता का सुख मिलेगा, भाई बहनों का सुख मिलेगा, पिता के सहयोग से कुछ बड़ा कार्य कर सकते, इंडस्ट्री तक लगा सकते, उसके लिए समय गोल्डन चल रहा है। सावधानी क्या बरतें, गुस्से पर नियंत्रण रखें, उपाय क्या करें, जरूरतमंदों को भोजन करावें। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है लाल, लक मीटर 7, हरे कृष्ण। बात करते हैं धनु राशि की, तो जो धनु राशि के जातक हैं, आज आपका समय महत्वपूर्ण है। आलस्य का परित्याग करिए, आत्मबल में वृद्धि होगी, अपनी क्षमता से धन अर्जित करेंगे, आय के संसाधनों में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। आज आपका व्यापार बढ़ेगा, शिक्षा के क्षेत्र से लाभ मिलेगा, नए प्रकार के कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा, आज आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी, पदोन्नति वगैरह हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है और शिक्षा जगत में कोई प्रशासनिक बड़ा जिम्मेदारी मिल सकता है। सावधानी क्या बरतनी, अपने समय का सदुपयोग करें। उपाय क्या करना, आज एक केले का पौधा लगावें और केले के जड़ में दाल और पानी से जल अर्पण करें, आपके लिए शुभ रहेगा। शुभ अंक 6, शुभ रंग है पीला, लक मीटर है 8, हरे कृष्ण। बात करते हैं मकर राशि की, जो मकर राशि के जातक हैं, आज आपके अनेक प्रकार के नए दोस्त बनेंगे और दोस्तों का सहयोग मिलेगा। पड़ोसियों से वाद विवाद हो सकता है, वाद विवाद से बचें। यात्रा का योग बन रहा है, तीर्थ स्थान पर जाने की संभावना बन रही है, किसी आध्यात्मिक गुरु के मिलने से आपका समय अच्छा होगा, आज का समय आपका अच्छा व्यतीत होगा। शीघ्र निर्णय लेने से बचें, परिस्थिति आपके अनुकूल है, निर्माण कार्यों से धन लाभ होगा और कंस्ट्रक्शन माइंस प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में अगर पूंजी निवेश करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि प्रॉपर्टी के क्षेत्र में कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं या ईंधन के क्षेत्र में कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा है। सावधानी क्या बरतनी है, अज्ञात व्यक्ति से कोई व्यापार न करें। उपाय क्या करें, गायत्री मंत्र का जप करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग है हरा, लक मीटर है 8, हरे कृष्ण। बात करते हैं कुंभ राशि की, तो जो कुंभ राशि के जातक हैं, आज आपकी संतान की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा, आय के नए संसाधन मिलेंगे, शेयर से लाभ मिलेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, पत्नी को नौकरी मिल सकती है, व्यापार में बढ़ोतरी होते हुए दिख रही है। भाग्य के साथ साथ कर्म भी करने की जरूरत है और कठिन परिश्रम करने से आज आपके बहुत सारे लाभ मिलेंगे। पुराने शत्रु परास्त होंगे, जो रुका हुआ धन है वो मिलेगा, विरोधी परास्त होंगे, खडयंत्रकारी विफल होंगे। हेल्थ पर विशेष ध्यान दें और अपने आत्मीय लोगों से संबंध बना के रखें, दूरी न बनावें, उनके साथ रिलेशन अच्छा बना के रखें। सावधानी क्या बरतनी है, कार्य क्षेत्र में किसी की दखल अंदाजी न करें। उपाय क्या करना है, गर्मी का समय आ रहा है, चिड़ियों को बाजरा है, पानी है, जरूर दीजिए। शुभ अंक 8, शुभ रंग है स्लेटी, लक मीटर है 7, हरे कृष्ण। बात करते हैं अंतिम राशि मीन की, तो जो मीन राशि के जातक हैं, आज आपका समय बहुत अनुकूल है, शिक्षा से लाभ मिलेगा, संतान के मनोबल बढ़ाना आपके लिए श्रेष्ठकर रहेगा, संततियों को उत्साहित करें, उनकी टेरिटरी में दखलअंदाजी न करें, किसी प्रकार के विरोध करने से बचें, विरोधी आपके सक्रिय हो सकते हैं, गुप्त शत्रुओं की संख्या में वृद्धि हो सकती है, परिश्रम से लाभ मिलेगा, आपके कर्म क्षेत्र में विस्तार होगा, स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है, परिस्थिति आपके अनुकूल है, हेल्थ वेल्थ को लेकर के आपकी चिंता समाप्त होगी, माली हालत अच्छी होगी, पुराने मित्र मिलेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नौकरी मिल सकती है, आप किताब लिख सकते हैं, आपकी किताबें पुरस्कृत हो सकती हैं, राजनीति में अचानक आपकी पदोन्नत हो सकती है, उसकी प्रबल संभावना बने, कोई बड़ा लीगल प्रशासनिक पद मिल सकता है। सावधानी क्या बरतनी है, माँ के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। उपाय क्या करना है, ओम श्रीम श्रीये नमः, इस मंत्र का जप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक 9, शुभ रंग है भगवा कलर, लक मीटर है 9, हरे कृष्ण। बात करते हैं गुरु के नुस्खे की, तो गुरु के नुस्खे में आज हम आपको बताएंगे कि भगवान विष्णु की आराधना के लिए क्या करें और खास तौर से जो बृहस्पतिवार दिन होता है वो भगवान विष्णु जी के लिए अर्पित रहता है। देव गुरु बृहस्पति की पूजा करते हैं, मांगलिक कार्यों की सफलता एवं शुभता के लिए आज का दिन जाना जाता है। गुरु ग्रह जब मजबूत होता है तो कार्यों में तरक्की होती है, यश एवं कीर्ति में वृद्धि होती है। गुरुवार के दिन आप कुछ आसान उपायों को करके अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं और उन्नति भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं गुरुवार से जुड़े उपायों के बारे में। गुरु ग्रह को प्रबल करने के लिए सुबह स्नान के बाद देव गुरु बृहस्पति की पूजा करें, उसके बाद ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का जप करें और एक एक माला जरूर करें, तुलसी की माला का भी उपयोग कर सकते हैं। आपके जीवन में सुख समृद्धि के संसाधन बढ़ेंगे और सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, धन एवं दौलत अपार बढ़ेगा। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता धन एवं वैभव की लक्ष्मी माता लक्ष्मी जी की आराधना करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी
और रुपयों की तंगी दूर होगी, परिस्थिति अच्छी होगी। ध्यान रहे कि माता लक्ष्मी को तुलसी का पत्ता न चढ़ावे। धार्मिक मान्यता है कि गुरुवार के दिन किसी को भी उधार रुपए न दें न लें, ऐसा करने से आर्थिक तंगी का हालात बन सकता है। भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का प्रिय रंग पीला है, इसलिए गुरुवार के दिन आप कोशिश करें कि पीले रंग का वस्त्र पहने और पीले रंग का तिलक माथे पर लगाएं। भगवान विष्णु की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आज के दिन भगवान विष्णु को केले का भोग लगावें, पीले फूल, चने की दाल, गुड़, पंचामृत से स्नान करावें और तुलसी का पत्ता अर्पित करें। स्वयं केले का सेवन न करें। श्री हरि के आशीर्वाद से सभी समस्याएं दूर होंगी, सुख एवं समृद्धि में वृद्धि होगी। पति एवं पत्नी के बीच अगर वैवाहिक समस्या है तो दोनों को गुरुवार का व्रत करना चाहिए और साथ में भगवान विष्णु एवं बृहस्पति देव की पूजा करनी चाहिए। आपके जीवन में सुख एवं सौभाग्य में वृद्धि होगी और आपकी समस्याएं दूर होगी। जिन लोगों के विवाह में विलम्ब हो रहा है उनको गुरुवार का व्रत नियम पूर्वक करना चाहिए। गुरुवार के दिन गुड़, चने की दाल, हल्दी, पीले वस्त्र इत्यादि का दान किसी ब्राह्मण को जरूर करें। गुरु के प्रबल होते ही शादी की बात पक्की हो जाती है, शादी में विघ्न बाधाएं जो आ रही हैं समाप्त हो जाती है। तो देव गुरु बृहस्पति की पूजा करना और बृहस्पतिवार से संबंधित चीजों को करना आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह को मजबूत करता, आपकी परेशानियां दूर होती हैं, आप में उत्तरोत्तर विकास होता है। अब बारी है दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर देने का। तो हमारे साथ देहरादून से नवीन फुलारा, इनकी जन्मतिथि है 29/3/87 और शाम को 4:50 पर इनका जन्म हुआ था। ये जानना चाहते हैं कि आने वाला इनका समय कैसा है। देखिए नवीन, आपका जन्म सिंह लग्न का है, लग्न सूर्य है, सूर्य आपकी कुंडली में बहुत अच्छी जगह पर है और मंगल आपका दशम भाव में है, सूर्य गुरु राहु एक साथ है, शुक्र बुध सप्तम में है और केतु द्वितीय भाव में है। तो देखा जाए ग्रहों की पोजिशन बहुत अच्छी है, आपकी माली हालत अच्छी होगी, धन दान की स्थिति अच्छी होगी, आप उत्तरोत्तर आगे बढ़ेंगे, पूरी प्रगति करेंगे। अभी जो आपका कालखंड चल रहा है यह शुक्र की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है, तो 3 मार्च 2023 से लेकर के और 25 जून 25 तक का कालखंड आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, उत्तरोत्तर आप विकास करेंगे। आपका दिन और अच्छा हो इसके लिए आप सूर्यदेव की आराधना करें और जब प्रातः काल उठें तो माता पिता का चरण स्पर्श करें और लाल वस्तु का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। धन्यवाद। बात करते हैं आज के जन्मदिन की। आज है 9 मार्च 2023। जो आज जिन दर्शकों का जन्मदिन है उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। आपका जन्मदिन शुभ हो, मंगलमय हो, आपको प्रगत करे, आगे बढ़े, आपका चतुर्दिक विकास हो, आप पर भगवान विष्णु की कृपा बरसे। आज 9 तारीख है, 9 तारीख के जो जन्म जातक हो तो उनका मूलांक 9 होता है, 9, 18, 27। तिथि के जो जन्म जातक हो तो उनका मूलांक 9 होता है। 9 नंबर बड़ा परफेक्ट नंबर होता है, अगर 9 में किसी भी अंक से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 9 में 9 का तो वो 9 ही आता है। जैसे 9 में 9 को करेंगे तो 9 × 2 = 18, पुनः 8 × 1 = 9, इस तरीके से इसमें जितनी आप मल्टीप्लाई करेंगे उतने 9 ही आएगा। 9 में 9 पूरे 10 तक अगर करते हैं तो 9 नंबर बड़ा महत्वपूर्ण है, 9 की महत्ता बहुत है। ऐसे लोग बहुत ही रिजिड होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं और जिस लक्ष्य के प्रति भिड़ जाते उसको करके ही मानते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति को भी अनुकूल बना लेते हैं, सारे रिश्ते में मजबूत होते हैं, चाहे पिता के रोल में हो, चाहे भाई के रोल में हो, चाहे पति के रोल में हो, चाहे मित्र के रोल में हो, चाहे कर्मचारी के रोल में हो, राजनीति में हो, कहीं भी रहते हैं वो अपना परफेक्शन देते हैं, जो उनका बेस्ट पार्ट होता है वो कोशिश करते हैं समाज को देने की। उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। देखा जाए वर्ष आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा, माली हालत सशक्त होगी, पत्नी का सुख मिलेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, बच्चे अच्छा करेंगे और परिवार को आगे बढ़ाने में आपकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी। प्रॉपर्टी का खर्च सकते हैं, नौकरी के लिए, अकेडमिक करियर के लिए बहुत अच्छा है। जनवरी से लेकर जून तक का जो कालखंड है थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ सकता है लेकिन उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी, उपलब्धियों वाला जाना जाएगा। पुनः जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपके बहुत सारे कार्य संपन्न होंगे, थोड़ी परेशानियां आ सकती हैं लेकिन आप उन परेशानियों से निजात पाते हुए महान उन्नत करेंगे। तो देखा जाए तो वर्ष आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। सावधानी क्या व्रत नहीं है, आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, बहुत जल्दी एग्रेशन में आ जाते हैं, बहुत सेंसिटिव है, तो अपने इस नेचर को चेंज करिए। उपाय क्या करना है, पूरे वर्ष पर्यंत भगवान विष्णु जी की आराधना करना आपके लिए अच्छा रहेगा। भगवान विष्णु को पीला पुष्प और पीले रंग का
कोई भी वस्त्र जरूर दान करें मंदिर में, आपके लिए अच्छा रहेगा। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पुनः आपको